कॉजेस क्या है इसके, कि जब हम बहुत ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर लेते हैं, अन जो हेल्दी डाइट है उसे इंटेक कर लेते हैं बट हम उसे कंज्यूम नहीं करते, कोई वर्कआउट नहीं करते, हमारा वर्कआउट बहुत कम होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है। बट ओबेसिटी के कारण क्या रिस्क फैक्टर आते हैं? रिस्क फैक्टर इसके ये है कि आपको कार्डियो से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है, देन आपको डायबिटीज हो सकती है, देन आपको क्या है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ओबेसिटी जो है वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स को बर्थ देती है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक रीजन है, मेन रीजन है, ओके। सो चलिए उससे रिलेटेड क्या है, नाउ आई विल शो यू फ्यू आसन्स रिलेटेड टू द ऑबेसिटी, कि जिन आसन्स को अगर हम कंटिन्यू रेगुलर करेंगे तो हम क्या है ऑबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आई विल शो यू फ्यू आसन्स जिनको आप अपनी लैंग्वेज में पोस्चर्स को देख सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में जिनको लिख सकते हैं। ये आसन्स जो है इनको आप आराम से देखिए और अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम्स में लिखिए, ओके। प्रोसीजर, सबसे पहले टांगे फैलाकर सीधे सामने बैठ जाएं, आपके हाथ दोनों साइड्स पे होने चाहिए, फिर धीरे धीरे अपनी लेफ्ट लेग को मोड़े और पैर को अपने हिप के नीचे रखें, इसी तरह से अपनी राइट लेग को भी मोड़ के पैर नीचे अपने हिप्स के रखें। ध्यान रखना है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और दोनों एड़ियों को आप इस प्रकार से रखेंगे कि जो पंजे हैं वो एक दूसरे को ढक लें। फिर आपके हाथ जो हैं वो सामने घुटनों पर होने चाहिए और इस पोजीशन में आपको 10 से लेके 15 सेकंड तक बैठना है और फिर धीरे धीरे आपको फिर से अपनी शुरू वाली पोजीशन में वापस आना है। मींस आपको अपने इस आसन को निकलना है इस आसन से और अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा वज्रासन परफॉर्म होता है और आपको इस आसन को लिखने के लिए कोई बुक की लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अपनी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और खुद इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको ये आसन करना मुश्किल नहीं लगेगा। सेंद्र आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाएं, फिर आप लेफ्ट नी को मोड़कर बैठ जाएं और राइट पैर को पकड़कर नी से मोड़ें और अपने लेफ्ट हिप के पास रखें, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आप अपनी राइट आर्म को लेफ्ट नी से घुमाकर लाएं और लेफ्ट पैर को पकड़ें। इसके बाद लेफ्ट आर्म पीछे की तरफ अपनी कमर तक ले जाएं और वहां से पकड़ें और सिर को भी लेफ्ट साइड पे ही घुमाकर रखें। 5 से 10 सेकंड्स तक इस पोजीशन में रहने के बाद धीरे धीरे अपने सिर को टर्न करके आप अपनी पहले वाली पोजीशन में वापस आ जाए। त्रिकोण आसन करने के लिए हमें बिल्कुल सीधे खड़े होना है, हमारे पैरों में 1 से 2 फुट की दूरी होगी और उसके बाद हमें अपनी दोनों आर्म्स को शोल्डर्स लेवल तक ऊपर उठाना है और फिर धीरे धीरे हमें अपनी लेफ्ट साइड को झुकना है। लेफ्ट साइड आप देख सकते हो इस वीडियो में, अपनी कमर से लेफ्ट साइड की तरफ झुक के अपने लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर रखा हुआ है और आपकी जो राइट आर्म है वो आपकी ऊपर है और अब यहाँ पे इन दोनों आर्म्स का जो कोण है वो 180 डिग्री के ऊपर होगा। इस पोजीशन में आपको 5 से 10 सेकंड्स तक बने रहना है और फिर धीरे धीरे आपको इस पोजीशन में से वापस अपनी स्ट्रेट लाइन में आ जाना है। हस्तोस्थान आसन करने की विधि, फर्श पर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर साथ मिले हुए होने चाहिए, धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए अपनी आर्म्स को ऊपर की ओर उठाएं, सिर की तरफ, ध्यान रहे आपकी हथेलियां भी ऊपर को होनी चाहिए,
अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के फिर श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए जितना हो सके उतना आपको राइट साइड को बेंड होना है। आपको 5 से 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में बने रहना है। उसके बाद फिर से मिडल में आ जाएं और सेम यही प्रैक्टिस अब आपको लेफ्ट साइड की ओर भी करनी है। इसके साथ फिर से आपको वापस अपनी पोजीशन में धीरे धीरे से लौटना है। इस तरह से आपका हस्तोत्थान आसन जो है वो प्रॉपर ढंग से आप कर सकते हो, और वीडियो के अकॉर्डिंगली आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।